हेलो मित्रों, स्वागत है आपका आप आईएएस की इस स्पेशल वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करते हैं तो ये एक ऐसी मतलब कि इसको हम कह सकते हैं कि सिलेबस जो है तो आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक प्रकार से बहुत ही सटीक एक प्रकार से मार्ग के रूप में प्रशस्त होता है। और ये जो सिलेबस है, बिना सिलेबस तो यूपीएससी को तो क्रैक करना मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि ये यूपीएससी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बल्कि ये तो एक प्रकार से बहुत बड़ा समुद्र की तरह है ना। तो इसको यदि आपको क्रैक करना तो आपको एक सही गाइडलाइन और एक सही वे पे ही तो एग्जैक्ट मतलब कि सही राइट वे पे ही तैयारी करना बहुत ज़्यादा इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, अदरवाइज़ तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है ना। तो आज आप लोगों की काफ़ी समय से क्वेरी भी आ रही थी कि सर मैं सिलेबस से रिलेटेड कुछ मतलब कोई वीडियो बनाए, तो इसीलिए जो है तो आज हमको समय मिला है सर। तो यहाँ पर शायद हमने आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो दोस्तों बनाया है, और आप पूरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आप लोगों को जो इससे रिलेटेड जो भी भ्रांतियाँ रही होंगी ना यूपीएससी के सिलेबस से रिलेटेड, इसमें किस प्रकार से ऑप्शनल में क्या कैसे ना किस प्रकार से अपना जो जो कंपलसरी पेपर है उसमें किस प्रकार की प्रॉब्लम है, साथ ही साथ इवन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्ज़ाम की सिलेबस तक ही डिस्कस करने वाले नहीं, बल्कि हम आपको पूरा इंटरव्यू की प्रोसेस, साथ ही साथ इंटरव्यू में जो जो चीज़ें यूपीएससी ने स्पेशल तौर पे अपने सिलेबस में मेंशन किया है तो उसको यहाँ पर हम लोग उसको बताएंगे। और ये भी आप लोग यानी कि आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप लोग जब ये सिलेबस देखोगे तो निश्चित तौर पर आप लोग जो है तो अपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यूपीएससी के हैं तो उसको सामने रख करके आप उसको मैच कराइएगा, देखिएगा किस प्रकार से यूपीएससी कभी भी अपने सिलेबस से बाहर कभी भी नहीं पूछता है। कभी लोगों को ऐसा भी डाउट होता है कि सिलेबस से बाहर पूछता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है। आप उसको इसके जो भी टॉपिक इसने अपने मेंशन किए हैं उससे ही रिलेटेड पूछता है, तो इससे जो है तो आपको एक प्रकार से सही मार्गदर्शन पर तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों, तो आज हम पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखते हैं क्या, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में अपना बहुत ही विस्तार से जो है तो प्रीलिम्स से रिलेटेड जो है तो डिस्कस किया था। तो उसके लिए आप लोग जो है तो अपना अपना जो इसी आईएएस के चैनल में प्रीवियस जो प्री एग्ज़ाम का वीडियो डाला हुआ उसको आप लोग पूरा देखें, उसमें हमने प्रीलिम्स की स्टडी पूरी जो है तो यूपीएससी ने स्पेशल, हमने कोई भी उसमें एडिटिंग करने का वो नहीं किया, हम पूरा जो हूबहू जो यूपीएससी का सिलेबस है तो हमने प्रीलिम्स में पूरा वही डिस्कस किया है। साथ ही साथ उसका जो सी सेट का वो भी है पेपर है, तो उसके बारे में जो उसमें मतलब कि यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन है पूरे टॉपिक्स, उसी तरह से उस चीज़ें हम लोग विस्तार से डिस्कस किया, तो उसको आप लोग अवश्य देखें, वो भी आप लोगों के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा दोस्तों ना। उसके बाद ये मेंस का हम लोगों का ये सीरीज़ है, तो ये मेंस के बारे में से पूरा हम विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अब आप लोगों को तो ये पता ही होगा किस प्रकार से जो है तो यदि हम बात करें तो प्रीलिम्स में लगभग लगभग 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, और उसमें से भी 10 लाख फॉर्म भरने वालों में से भी लगभग लगभग कह सकते हैं कि उसका 50% अप्रॉक्स 5 लाख लोग जो है तो एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं प्रीलिम्स के लिए, और उसमें से 5 लाख में से जो है तो मोटा मोटा सिलेक्शन होते हैं, लगभग लगभग कह सकते हैं कि आपको 12 से 15 हज़ार लड़के सेलेक्ट होते हैं किसमें, मेंस एग्ज़ाम में। और मेंस एग्ज़ाम के बाद जो है तो फाइनली जब इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है तो उसमें से मोस्टली लगभग लगभग 2000 से 2500 लड़के ही चटकर जा पाते हैं, और फाइनल सिलेक्शन तो यूपीएससी को लेना है 1000 से लगभग 1100 मैक्सिमम है, या कि 800-900 इस समय तो अभी पोस्टें कम ही हो रही हैं। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पास कितनी ज़्यादा यानी कि प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। तो ये एग्ज़ाम तो इतना कोई बहुत ज़्यादा हल्का नहीं है, लेकिन हाँ यदि आप सिलेबस के हिसाब से टू द पॉइंट अपनी तैयारी को रणनीतिक ढंग से उसको मतलब कि कह सकते हैं अंजाम देंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, और निश्चित तौर पे आप जो है तो आपको एक सटीक ढंग से तैयारी करने पे निश्चित और बहुत ही जल्द मतलब कि आसानी से मतलब कि एग्ज़ाम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू लेने का प्रयास करेंगे जैसे हम लोगों ने डिस्कस करा, तो आप यहाँ पर जैसे देखते हैं कि हमने जो मेंस एग्ज़ाम की बात की थी तो मेंस एग्ज़ाम में पहले ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद हम विस्तार से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि अपने देखते हैं कि यहाँ पर जो अपने जो कंपलसरी पेपर होते हैं तो उसमें से अपना जो है तो 8वीं अनुसूची से संबंधित जो है तो कोई भी एक लैंग्वेज का पेपर होता है आपको उसको चूज़ करना होता है, और दूसरा अपना होता है अंग्रेजी का पेपर होता है ना। तो ये दोस्तों आपके लगभग दोनों जो है तो 300 मार्क्स के होते हैं, ध्यान देने वाली बात है कि 300 मार्क्स के हैं, और इसको आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि यदि हल्के में लेंगे तो फिर तो
मतलब कि आपके यदि इसमें से नहीं इसको नहीं पास कर पाए तो आपकी जो मेंस की कॉपी है तो धरी की धरी रह जाएगी, चाहे आपने कितना ही अच्छा उसको क्यों ना लिखा हो। तो ये जरूर याद रखें आप दोस्तों। और इसमें से आपको मैं बताना चाहूँगा कितना आपको कब क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। तो इसको इसमें से आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स पाने हैं तो वो 25% लाने हैं, यानी कि 25% कैसे, टोटल 300 300 के होते हैं, तो इन 300 में से लगभग लगभग आपको 75 मार्क्स लाने हैं इनमें से, तब आपका ये क्वालिफाई होगा। और 25% मार्क्स यदि आपके आ जाते हैं, इससे ज़्यादा आ जाते हैं, तब आपकी और कॉपियाँ चेक होंगी। और याद रखिएगा ये मार्क्स, इसके मार्क्स कभी भी आपकी मेंस फाइनल उसमें एड नहीं होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एबिलिटी को चेक करने के लिए, आपके लैंग्वेज के पेपर को चेक करने के लिए, आपकी इंग्लिश की क्वालिटी समझ पाते हैं कि नहीं ये चेक करने के लिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश एकदम फ्लुएंट बोले तभी आप एक प्रकार से इसके लिए कैपेबल होंगे, नहीं ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं है। एलिमेंट्री मतलब 10th लेवल तक, 10th स्टैंडर्ड तक की इसमें इंग्लिश पूछी जाती है। थोड़ी सी तैयारी यदि आप कर लेंगे, वैसे भी आप लोग पढ़ा जनरल इंग्लिश तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो निश्चित तौर पर ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी आपके लिए हो जाएगा, है ना। तो अब हम चलते हैं, जैसे कि अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेने का प्रयास करें, तो अपने जो पेपर पे चलते हैं, जो जिनकी कॉपी मतलब कि चेक होती है, जो हमारे मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें से अपना होता है जो निबंध का है, तो निबंध अपना होता है 250 मार्क्स का, ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग यहीं से होता है। उसके बाद पेपर वन अपना होता है, इसके बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे, ये भी अपना 250 मार्क्स का होता है। वहीं पेपर टू 250, पेपर थ्री भी 250 का, पेपर फोर्थ अपना एथिक्स वाला जो है तो ये भी 250 मार्क्स का होता है। ये अपने हुए, प्लस साथ ही साथ अपना जो होता है इसमें से ये जो ऑप्शनल के हो गए, तो ऑप्शनल का अपना पेपर वन पेपर टू होता है, तो टोटल होता है ऑप्शनल के हमारे मिला करके 500 के, ठीक है। और प्लस इसमें से इनमें ये तो हमारे हो गए, इनके साथ ही साथ इंक्लूड होता है हमारा जो इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का, तो ये भी इंक्लूड होता है फाइनल सिलेक्शन में, है ना। तो यदि हम बात करते हैं कि हमारा सिर्फ मेंस में जो एड होता है, तो मेंस में कितने होते हैं हमारे, होते हैं 1750 मार्क्स, 1750 मार्क्स मेंस के होते हैं, प्लस इंटरव्यू के होते हैं 275 मार्क्स, तो टोटल आपका जो होता है फाइनल, यदि बात करते हैं तो फाइनल जो इसका टोटल मार्क्स होता है, तो 2025 मार्क्स, 2025 मार्क्स जो होता है, तो ये आपका पूरा का पूरा जो है तो इसका टोटल है। इसमें से ये है मेंस का पूरा। अब इसमें हम ओवरव्यू है, अब हम चलते हैं मेंस की पूरी मतलब कि क्या है मेंस का सिलेबस, यूपीएससी ने क्या बताया है, है ना, स्पेशली, और कैसे इसमें किस तरीके से आप अपने यानी कि कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप फोकस कर पाएंगे। और इसमें एक और बहुत बड़ी चुनौती आप लोगों को दोस्तों सामने मतलब कि आती होगी, कि जब आप तैयारी करते हैं तो तैयारी के दरमियान यहाँ पास वैसे भी आज हम देखते हैं कि सिलेबस की कितनी ज़्यादा मतलब कि पहले तो कहते हैं कंटेंट की अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन आज कंटेंट की इतनी ज़्यादा बम्बार्डिंग है कि आपको यानी कि सेलेक्टिव कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत है, है ना। क्योंकि अब हर चीज़ यानी वही बात है कि यदि आप समुद्र को कोशिश करके हम तैर करके पार कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आप कभी भी नहीं पार कर पाएंगे, है ना। तो वही बात है कि यहाँ पास आपको कितना मतलब कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड किस प्रकार से तैयारी करनी है, और लिमिटेड सिलेबस के साथ ही ज़्यादा मतलब कि सिलेबस को अपने सामने रख करके ही जो कंटेंट आपको यहाँ पास इसीलिए डिस्कस किया जा रहा है, ये अपना जो पूरी ये वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि आप एक रणनीतिक ढंग से सिलेबस ओरिएंटेड होकर अपनी पूरी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें और फालतू की चीज़ों से आप बच सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा बचेंगे उतना बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी को अंजाम दे सकेंगे। और इसके जितने भी टॉपिक हैं इसमें जो मेंशन हैं, तो उससे रिलेटेड आपको जो भी मटेरियल पढ़ने को मिलता है, तो उसको आप सीरियसली उसको अच्छे ढंग से तैयार करेंगे, जो कि आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो अब हम देखते हैं यहाँ पास कि इस वीडियो को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा या तो अपने पास सेव करके भी रख लेंगे, क्योंकि आपकी पूरी प्रिपरेशन के दौरान ये जो है तो बहुत ही काम करने वाली चीज़ है, क्योंकि आपको सिलेबस तो आपके एग्ज़ाम के बिना एक कर से जो तो आपकी तैयारी जो तो बिना सिलेबस को तो अधूरी ही है दोस्तों। तो ये सिलेबस ये जो वीडियो है तो आपको हेल्प करेगा आपकी तैयारी के दरमियान, जब भी आप कभी भटकने लगेंगे तो ये निश्चित तौर पर आपको सही दिशा देगा ये वीडियो, है ना। तो हम चलते हैं यूपीएससी क्या कहती है आपसे, क्या डिमांड करती है यूपीएससी की, क्या क्या होना चाहिए कैपेबिलिटी हमारे एस्पिरेंट को, ताकि आप यानी कि यूपीएससी की क्या आप में योग्यता है कैपेबिलिटी है ताकि यूपीएससी आपका सिलेक्शन कर सके। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पास यूपीएससी क्या डिमांड है। तो देखते हैं कि यहाँ पास उसने हर चीज़ें स्पष्ट यहाँ पास की, उसने बताया कि इसका जैसे इस परीक्षा का जो उद्देश्य है, तो उद्देश्य बताया गया कि जो उम्मीदवार जो हैं तो उनके समग्र बौद्धिक गुणों तथा उनके गहन ज्ञान का आकलन करना है, यानी कि आपकी एनालिसिस क्षमता किस प्रकार की है, साथ ही साथ मात्र उनकी एक सूचना के भंडार तथा स्मरण शक्ति का आकलन करना नहीं, यानी कि सिर्फ आपके कितना ज़्यादा डाटा यानी याद कर लेते हैं कितना रट लेते हैं इसकी उसको कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग
आपके लिए वो बिल्कुल भी यूपीएससी नहीं है कि आप रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम करें, है ना। वो तो आपको कैपेसिटी, आपके एनालिसिस की पावर कितनी है, आप किस तरह से यानी कि सिचुएशंस में किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं उसको, इन प्रकार की चीज़ों के आप एक प्रकार से बौद्धिक गुणों की मतलब कि ये परखने का प्रयास करते हैं यूपीएससी। अब ये बात करते हैं कि जैसे कि इसमें जो देखा जाए तो इसमें जो स्पेशली हर चीज़ों के बारे में तो इसने बताया ही है, साथ ही साथ इसने बताया कि जैसे कि यहाँ पास इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो एक सामान्य व्यक्ति जो है तो एक जैसे बात करते उससे अपेक्षा की जाती है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिस प्रकार से एक प्रकार नॉर्मल व्यक्ति दे सके उसको, और प्रश्न ऐसे होंगे जिनसे कि विविध विषयों पर उम्मीदवारों की सामान्य जानकारी का ही परीक्षण किया जा सके और जो सिविल सेवा में करियर संबंधित तो होगी ही, है ना। साथ ही प्रश्न इस प्रकार के होंगे कि जो सभी प्रासंगिक विषयों के बारे में उम्मीदवारों की आधारभूत समझ तथा परस्पर विरोधी सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों उद्देश्यों और मांगों का विश्लेषण तथा इन पर दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता का परीक्षण करे, और उम्मीदवार संगत सार्थक और सार्वगर्भित उत्तर की मांग भी करता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है कि यहाँ पास क्वेश्चन तो कुछ पूछा जाता है ना, भले ही आपने उस चीज़ को पढ़ा है लेकिन प्रश्न कुछ पूछ रहा है और आप आंसर लिख के कुछ आ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। आप तो यहाँ पास एग्जाम हॉल में लिख रहे हैं हाँ हमसे सब आ रहे हैं, लेकिन फिर जब फाइनली सिलेक्शन की बात आती है तो मेरिट लिस्ट से बाहर। यही पर समस्या ये देखने को मिलती है कि क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आपने उसको फुलफिल नहीं किया है, इसीलिए आपको उसके हिसाब से मार्क्स नहीं मिले हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पास आप उसके अकॉर्डिंग ही सारगर्भित और सार्थक उत्तर दें, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वहीं बात करते हैं कि स्पेशली यदि देखें कि फिर ऑप्शनल की बात है, तो ऑप्शनल के बारे में इसमें यूपीएससी ने स्पष्ट बताया भी है कि ऑप्शनल में आपके किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पास जो ऑप्शनल के सिलेबस की बात है तो उसका लेवल किस प्रकार का होगा, उसका लेवल होगा आपका कि जो आपने ग्रेजुएशन किया था तो ग्रेजुएशन में जो ऑनर्स डिग्री के लेवल का या साथ ही साथ जो है तो स्नातक डिग्री से तो ऊपर होगा, है ना, जो ग्रेजुएशन का लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर, और आपको जो पीजी या स्नातकोत्तर लेवल है उससे नीचे, यानी कि इनके बीचों बीच का सिलेबस मतलब कि आपका ये होगा, यानी संतुलित आपके ग्रेजुएशन और पीजी के बीचों बीच, है ना। तो ये आपके मतलब कि ऑप्शनल के संदर्भ में यूपीएससी ने बताया है। वहीं यदि हम लैंग्वेज की बात करते हैं और इंग्लिश पेपर की बात, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि हिंदी मीडियम के लड़कों के साथ तो काफ़ी ज़्यादा समस्या इसकी देखने को मिलती है, इंग्लिश वाली समस्या, तो यहाँ पर इसने यूपीएससी ने बताया स्पष्ट तौर पर, यहाँ पर बताया है उसने कि इस प्रश्न पत्र का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि अंग्रेजी और जो संबंधित हमारी रीजनल भाषाएँ हैं भारत की, तो उसमें अपने विचारों को स्पष्ट सही रूप से प्रकट करना और गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने समझने, है ना, उनकी कैपेसिटी को जानने के लिए एग्ज़ाम होता है। ये ऑप्शनल वाली बात करते हैं, ये मतलब कि कंपलसरी वाला पेपर जो है, तो हाँ, और उसका जो किस प्रकार से उसका स्वरूप होगा तो उसके बारे में बताया गया कि जैसे कि इसमें किस कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। तो जैसे बताया कि इसमें से गद्यांश वगैरह हैं उनको समझने की कैपेसिटी आप में है कि नहीं, है ना, उसको आप शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं कि नहीं, है ना, एलेबोरेट भी कर सकते हैं कि नहीं, कोई भी टॉपिक दे दिया जाए तो, साथ ही साथ जो तो अपने वर्ड को प्रयोग करके या किस प्रकार से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, है ना, वर्ड मीनिंग वगैरह का, वही छोटे छोटे ऐसे शॉर्ट एसेस किस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, है ना, इन चीज़ों का नॉलेज का परीक्षण किया जाएगा। साथ ही साथ जो हम लैंग्वेज की बात करते हैं जैसे भारतीय भाषाओं के बारे में, तो उनके बारे में इसी तरह से क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, है ना, इसी से रिलेटेड होंगे, जैसे कि गद्यांश को किस प्रकार समझा जाए, उनको संक्षेपण या शब्द प्रयोग, शब्द भंडार, है ना, इसी टाइप से चीज़ें। साथ ही अंग्रेजी से भारतीय भाषा तथा भारतीय भाषा से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की भी, क्योंकि आपको जब आप सिलेक्शन के बाद वहाँ पास जाएंगे तो ऑफिशियल वर्क में भी बहुत सी चीज़ें आपको इन चीज़ों से दो चार होना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जो तो आपको इसीलिए पहले से इस चीज़ की डिमांड होती है ताकि आपको आगे समस्याएं हो, आप उसके लिए पहले से तैयार रहें, है ना। अब यहाँ पास जैसे कि उसने स्पेशल तौर पे बताया भी, जैसे कि भारतीय भाषा और अंग्रेजी की जो प्रश्न पत्र हैं तो किस लेवल के होंगे, तो उसके बारे में इसने बताया यूपीएससी में कि ये जो है तो मैट्रिकुलेशन लेवल के होंगे, यानी कि आपके 10th स्तर के होंगे, है ना, जिनमें से केवल एक प्रकार से क्वालिफाइंग नेचर के हैं, और इनमें 25% आपको कंपलसरी पाना ही पाना है, 75 मार्क्स मीन्स, तो ताकि आप एक प्रकार से यानी कि इसका इस प्रश्न पत्र ये जो है तो उसके बारे में बताया है कि इसका जो ये जो तो योग्यता क्रम के निर्धारण में इनका कोई काउंट नहीं होगा, तो स्पष्ट हम लोग बात कर ही लिया है। अंग्रेजी और भारतीय भाषा के जो प्रश्न पत्र हैं उनके भी एक प्रकार से ये तो स्पेशली बताया गया कि यानी जिस लैंग्वेज में आपने चूज़ किया उसी लैंग्वेज में मतलब किसका आंसर देना होगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं कि थोड़ा सा निबंध के बारे में जानते हैं कि निबंध किस टाइप से यहाँ पर पूछा जाएगा, है ना। तो जब हम पेपर फर्स्ट इसका यहाँ पर, तो इनका तो हमारे उसमें मेंस में नहीं ऐड होने वाला है मार्क्स, अब एड यहाँ से होगा निबंध से, यानी कि प्रश्न पत्र एक से। तो अब इसमें से
देखते हैं कि निबंध में जो है, तो निबंध में क्या यूपीएससी की डिमांड है। यूपीएससी की डिमांड है कि उम्मीदवारों को जो विविध विषय हैं उन पर निबंध लिखना होगा। कैसे? उनसे ऐसी अपेक्षा की जाएगी कि वे निबंध के जो विषय हैं उसी पर फोकस्ड हों, है ना। कि पूछा कुछ जाए, जैसे पूछ दिया कि मीडिया से रिलेटेड पूछ दिया तो हम दूसरी चीज़ें बता रहे हैं, है ना। तो ऐसा ना हो, तो जो है तो इसका फोकस है कि आप कितना ज़्यादा किसी भी टॉपिक पर एपकर से फोकस होकर के बेहतर तरीके से उसको एनालाइज कर सकते हो, है ना। और साथ ही साथ जैसे कि अपने विचारों को बेहतर तरीके से उसमें एक्सप्रेस कर सको, ये चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में भी, है ना। तो यही जो है तो ऐसे का एक प्रकार से मोटो यहाँ पास है। और बेहतर तरीके से अपने जो आपके एक्सप्रेशन है, आपकी अभिव्यक्ति है, उसको किस प्रकार से सटीक ढंग से अपने आप को एक्सप्रेस कर सको। क्योंकि जो आप यहाँ पास, मतलब कि इसका तात्पर्य ये निबंध का ये है कि जो तो यहाँ पास निबंध में आप जो लिखोगे तो एक प्रकार से आप अपने आप को ही उतार रहे हो इसमें, है ना। क्योंकि आप ये आपकी कॉपी ही जो है तो आपका प्रतिनिधित्व करेगी एग्जामिनर के सामने, और एग्जामिनर के सामने इसका प्रतिनिधित्व मतलब कि वो आप ही हो, और जो आपकी अभिव्यक्ति है, जो आपके विचार हैं, है ना, तो वो जानेगा उस कॉपी के माध्यम से कि आप में ये चीज़ें हैं। तो ये बेहतर तरीके से आपने ये चीज़ें होनी चाहिए। तो निबंध का जो है तो यही जाँच करने की, मतलब कि निबंध की अपेक्षा है ना। अब हम चलते हैं कि प्रश्न पत्र दो में जैसे बात करते हैं, वैसे मोस्टली इसको तो बोलते हैं पेपर वन, लेकिन जो हमारा मेन जो है तो निबंध से शुरू होता है, इसलिए उसको वो करते हैं ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे अपने पेपर मेन जो होते हैं तो इस पे बात करते हैं। तो जैसे कि हमारे पेपर, इसको जैसे पेपर वन है तो इसमें बात करते हैं। तो इसका पहली बात तो आप जाने कि टॉपिक क्या है ना, मेन टाइटल इसका क्या है, इस पेपर का। जैसे नॉर्मल तो है ना कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट इंक्लूड है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसमें से देखिए, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, इसमें से ये तीन चीज़ें एड हैं, याद रखें ना। भूगोल है, समाज है, विश्व का इतिहास है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर इंक्लूड है इसमें ना। अब देखते हैं कि इसमें से भी अब जाने कि इस प्रकार इसमें किस प्रकार से कौन कौन से टॉपिक इसके लिए यूपीएससी के हिसाब से रिलेवेंट हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज़ें विश्व इतिहास की तो हर चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, ज्योग्राफी में हर चीज़ें तो आपको इतनी चीज़ें तो आप वही सब पढ़ लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इस तरह करेंगे तब तो फिर यूपीएससी नहीं, आप तो फिर पीएचडी कर रहे हैं ना। तो कोई भी मतलब उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं यूपीएससी के लिए। अब इससे चलते हैं कि देखिए यहाँ पर जैसे कि इसमें स्पष्ट तौर पर जो है तो यूपीएससी ने अपने अपने एक प्रकार से जो उसने टाइटल दिए हैं, टॉपिक दिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, और आप सिलेबस एग्ज़ाम अपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जो पेपर हैं उसको उठाकर देखेंगे तो इन टॉपिक से आपको निश्चित तौर पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे जो तो क्वेश्चन मिल ही जाएंगे देखने को। अब देखते हैं फ्रेंड क्या पास इसने बताया गया है इसमें कि भारतीय संस्कृति में कहाँ से पूछा जाएगा। तो उसमें जैसे प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक के आर्ट के कला के रूप में ये पूछा जाएगा, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, है ना। इसमें कला, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य जो पहलू हैं उसमें शामिल होने चाहिए। तो यही आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन कि यहाँ से पूछा जाएगा। फिर उससे भी आगे बात की गई कि जैसे कि देखते हैं यहाँ पास हम लोग कि इसमें से ये भी बताया गया है कि जैसे हम इस पे ध्यान दें, इसमें मॉडर्न इंडिया के बारे में जैसे बताया गया है कि मॉडर्न इंडिया स्पेशली इसमें बताया है कि मध्य 18वीं सदी से, थोड़ा माफ़ कीजिए कि यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट टाइप से इसमें सिलेबस में थोड़े जो लैंग्वेज जो उसने ट्रांसलेट में किया था तो शायद इसमें से गड़बड़ी देखने को मिली, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे कि स्पेशल तौर पे यहाँ पर बताया गया है कि मध्य 18वीं सदी के मध्य से लेकर के, कहाँ से, 18वीं सदी के मध्य से लेकर के आज जो वर्तमान तक की जो घटनाएं चल रही हैं, है ना, वो पूछी जाएंगी इसमें से पूरी घटनाएं, जिसमें से साथ ही साथ उनकी इंपॉर्टेंस, वर्तमान क्या रिलेवेंस है, उनके महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व, जो फेमस व्यक्ति हैं उनसे संबंधित ये पूछा जाएगा इसमें। साथ ही साथ जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जो है स्वतंत्रता संग्राम के भाग में, इसमें जैसे कि उन्होंने जितना जैसे योगदान दिया है देश के विभिन्न हिस्सों में, इसका किस प्रकार से विभिन्न भागों में क्या परिणाम देखने को मिला, है ना, इससे रिलेटेड जो है तो पूछा जाएगा। साथ ही साथ जो है तो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद भी जैसे कि अपने यहाँ पर से इंटीग्रेशन रिलेटेड और फिर से राज्यों का पुनर्गठन वगैरह हो गया, एकीकरण से रिलेटेड, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। यहाँ पास स्पष्ट बताया गया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस के क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे। वहीं वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, यहाँ पास महत्वपूर्ण है, ध्यान देने वाली बात है कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री की बात है तो वर्ल्ड हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा अथाह है, तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, तो इसमें यहाँ पास स्पेशल तौर पर वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जाएगा तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में है कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री 18वीं शताब्दी से, है ना, कहाँ से, 18वीं शताब्दी से लेकर के जो फिर जैसे कि यहाँ पास वर्ल्ड वार भी देखने को मिले, दो दो वर्ल्ड वार हुए, उसके बाद जो तो राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्सीमांकन हुआ, साथ ही उसी समय जो तो
उपनिवेशवाद उनकी समाप्ति भी हुई है ना। वहीं राजनीतिक जो दर्शन वगैरह फिलासफी वगैरह साथ ही साथ जो उसी समय अपना जो साम्यवाद है कैपिटलिज्म वगैरह पूंजीवाद सोशलिज्म समाजवाद वगैरह ये चीज़ें देखने को उसी समय मिलती हैं। तो इन चीज़ों को भी यहाँ पास यानी कि 18वीं सदी के बाद की जो विश्व इतिहास है तो उसके बारे में यहाँ पास स्पष्ट तौर पे जो है तो पूछा जाएगा है ना। साथ ही साथ अब भारतीय समाज की बात करें तो उसमें भी भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं भारत की जो डाइवर्सिटी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो देखते ही होंगे, आपने पेपर भी देखो कि डाइवर्सिटी से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन कल्चर से रिलेटेड आते ही रहते हैं है ना। साथ ही साथ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे कि महिलाओं की भूमिका से रिलेटेड है ना, और महिला संगठन है, जनसंख्या संबंधी मुद्दे, गरीबी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे रिलेटेड आपको कहीं भी मिले तो आप उनको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा है ना, आपके मेंस के एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो। वहीं यदि हम बात देखते हैं कि विकास संबंधी जो विषय हैं वहीं अपने शहरीकरण उनके समस्याएं उनके रक्षोपाय जो भी कदम उठाए जाने की बातें होती तो उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। वहीं भारत के यहाँ पर जैसे कि ग्लोबलाइजेशन वगैरह हो गया है ना भारतीय समाज पर, तो उसका भी किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ा है आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछा भी गया था पिछले साल की जो तो किस प्रकार से जो वैश्वीकरण में भी जो भारत की संस्कृति है तो यानी कि जो भारत की परंपराएँ हैं तो जो है तो और भी ज़्यादा प्रगाढ़ होती जा रही है, इस टाइप से क्वेश्चन मतलब कि पूछा जाए। तो ये जो तो कल्चर से रिलेटेड जो है तो किस तरह से हमारे परंपराओं में रीति रिवाजों में यानी कि वैश्वीकरण किस प्रकार से प्रभाव देखने को मिल रहा है इन चीज़ों पे है ना। तो ये चीज़ें मतलब कि काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहीं पास देखते हैं कि जो सामाजिक सशक्तिकरण संप्रदायवाद क्षेत्रवाद धर्म निरपेक्षता से रिलेटेड जो है तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। वहाँ पास साथ ही साथ जैसे कि विश्व के भौतिक विशेषताएं भूगोल की भूगोल के बारे में किस प्रकार से क्वेश्चन होंगे तो इसमें से भी वहाँ पास बताया गया, जैसे विश्व के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का किस प्रकार से वितरण, वहीं दक्षिण एशिया है ना स्पेशली यहाँ पास मेंशन किया गया दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को भी शामिल इसमें करते हुए, न केवल एक प्रकार से पूरी तरह से जैसे कि भारत से द्वितीय तृतीय क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए एक प्रकार से पूरी जो फैक्टर है इनसे रिलेटेड पूछा जाएगा है ना। वहीं जो और भी पोर्शन जैसे कि भूकंप वगैरह डिजास्टर से रिलेटेड चीज़ें जैसे भी यहाँ पास कह सकते हैं कि भूकंप सुनामी ज्वालामुखी हलचल चक्रवात आज जैसे महत्वपूर्ण जो भूभौतिक घटनाएं हैं है ना, भूगोलीय विशेषता उनके जो स्थान वगैरह ये चीज़ इनसे रिलेटेड जो है तो ज्योग्राफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं हम लोग देखते हैं आगे चलते हैं कि पेपर थ्री की बात चलते हैं है ना। तो यहाँ पास जो है तो प्रश्न पत्र तो तीन है यानी कि पेपर टू इसको बोला जाता है, तो ये पेपर टू का हम टाइटल जानने का प्रयास करेंगे ये क्या है आखिर। तो इसमें से अपना है इसमें से मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा चुनौती वाला क्वेश्चन होता है, इसको देख सकते हैं कि मतलब कि इसमें काफ़ी लोगों के मार्क्स बहुत ही मतलब कम हो जाते हैं है ना, तो ये ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग पेपर इसको माना जाता है। तो इसमें भी ध्यान देने वाली बातें हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो इसका पहली बात तो टाइटल पे ध्यान देने की बात है, तो इसमें जैसे है कि टाइटल है कि राजव्यवस्था शासन, राजव्यवस्था है, संविधान और शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसका मेन तो टॉपिक टाइटल ये है। अब इस पे चलते हैं कि इसमें भी क्या है, इसमें से भी इसमें पूछा गया है पूछा जाएगा कि जैसे कि भारतीय संविधान की जो एक प्रकार से ऐतिहासिक विकास विशेषताएं संशोधन महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचनाएं हैं, साथ ही संघ और राज्य के कार्य उनके उत्तरदायित्व तो संघीय ढांचे संबंधित विषय और उनके जो चैलेंजेस देखने को मिलेंगे है ना, साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर शक्ति और वित्त का हस्तांतरण संबंधित जो चैलेंजेस देखते रहते राज्य और केंद्र के बीच है ना, इस तरह की भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ विभिन्न घटकों के बीच जो शक्तियों का पृथक्करण देखने को मिल रहा है ना, डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वहीं इनका विवाद निपटारा तंत्र है ना। वहीं भारतीय संवैधानिक योजनाओं की अन्य देशों के साथ किस प्रकार से कंपैरिजन की बातें भी आप पास, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस है ना, तो इनके साथ कंपैरिजन किस प्रकार से भारत की जो वो संवैधानिक स्थितियां हैं योजनाएं हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहीं संसद और राज्य की विधायिका में उनकी जो स्ट्रक्चर्स है उनके वर्क किस प्रकार वर्क करती है, तो इनसे उनके पावर्स क्या हैं, उनके विशेषाधिकार क्या हैं है ना, और इनसे उत्पन्न होने वाले अन्य जो टॉपिक होंगे तो वो इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका की इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है ना, इनका संगठन इनके वर्किंग प्रोसेस कैसी है, सरकार के मंत्रालय विभाग प्रभाग ये हैं, और इनकी भी पूरी प्रकार से औपचारिक और अनौपचारिक संघ और शासन प्रणाली उनकी इंपॉर्टेंस है ना, साथ ही साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ स्पेशल मेंशन है ना, ये भी इस पर इंक्लूड है। वही हम बात करते हैं जैसे कि विभिन्न संवैधानिक पदों पर जैसे नियुक्ति और अन्य विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ कार्य उत्तरदायित्व है ना, संवैधानिक विनियामक और विभिन्न जो अर्धन्यायिक संघ से रिलेटेड तो उसके बारे में पूछा जाएगा है ना, सरकारी पॉलिसीज जो भी बन रही हैं
जो उनका किस प्रकार से समाज में प्रभाव पड़ा, इससे रिलेटेड भी चीज़ें हैं, है ना, और क्या कुछ इसमें से किस प्रकार से उसका इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, किस प्रकार समस्याएं उसमें देखने को मिल रही हैं। वहीं विकास प्रक्रिया, विकास उद्योग जैसे गैर सरकारी संगठन है, स्वयं सहायता समूह, सैनिक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो है ना, और एक प्रकार से विभिन्न जो ट्रस्ट वगैरह है, तो इनसे रिलेटेड जो है तो लोकोपकारी संस्थाएँ, इनसे रिलेटेड जो है तो इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे। साथ ही साथ जो है तो केंद्र और राज्य के द्वारा जो जनसंख्या के सेंसिटिव वर्ग के जैसे कि कल्याणकारी योजनाओं से रिलेटेड भी है ना, और उनका मतलब कि योजनाएं, उनका निष्पादन किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करने की बातें हैं ना। साथ ही साथ जो तो इन संवेदनशील वर्गों की रक्षा और बेहतरी के लिए और कुछ क्या किए जाने की ज़रूरत है, उसके लिए जो नियम कानून और भी बनाए जाने की ना, उसको बेहतर तरीके से सशक्त करने की जो प्रयास और करने चाहिए, उससे रिलेटेड जो है तो उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। जैसे गरीब है, बेरोजगार है ना, बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, महिलाएँ हैं, बच्चे हैं ना, तो ये जो है तो सेंसिटिव वर्ग इनको माना जाता है, और सन्न और अल्पसंख्यक है ना, तो ये चीज़ें तो इनके रिलेटेड और क्या अच्छे प्रावधान किए जा सकते हैं संविधान में ना, इस तरह की चीज़ें कानून के द्वारा इनको और कितना ज़्यादा मतलब कि सशक्तता प्रदान की जा सकती है। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन संबंधित जो सामाजिक क्षेत्र, सेवा के विकास और प्रबंधन संबंधित है, तो यहीं गरीबी और भूख से संबंधित जो तो बहुत ही बड़ी चैलेंजेस भारत के लिए देखने को मिल ही रहा है ना, तो इसमें भी इंक्लूड मतलब कि ये है। साथ ही साथ जो शासन व्यवस्था है उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसी लाए, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी कैसी हो है ना, उसकी इंपॉर्टेंस और भी, यानी गवर्नेंस रिलेटेड जो है तो उनके मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं है ना, सिटीजन चार्टर से रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी, ये चीज़ें जो है तो संस्थाओं को किस प्रकार से और ट्रांसपेरेंट और ज़्यादा अकाउंटेबल बनाया जा सके, उससे रिलेटेड जो है तो चैलेंजेस इनसे जो है तो मतलब के क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ जैसे लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, आपके गवर्नेंस के ही पार्ट हैं ये है ना, भारत और इसके जो पड़ोसी संबंध, जो पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार का संबंध है, साथ ही साथ डिस्प्यूट से रिलेटेड जो है तो ऑलरेडी बर्निंग टॉपिक हो जाता है, तो वो आपको मतलब कि आयर के हिसाब से उसको कवर करते रहते हैं, तो वो चीज़ें से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, है ना। स्पेशल यहाँ पास मेंशन किया कि पड़ोसी संबंध खास तौर पर यहाँ पास ध्यान दिया गया है, और तो ठीक ही होगा ही, लेकिन पड़ोसी संबंध को भी मेंशन किया गया स्पेशली। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे कि भारत के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, भारत संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले जो समझौते किए जाते हैं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सभी देशों के साथ जो भारत के छोटे मोटे जो देश हैं है ना, तो अब इतने देश, 208 से ज़्यादा देश हैं, तो सभी देशों के साथ तो हम कर नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं। तो यहाँ पर स्पेशली बताया गया कि कोई भी ऐसे तो जो भी ग्लोबल लेवल पे घटनाएं हो रही हैं है ना, तो भारत के साथ, यदि भारत उसमें भारत के हित तो जुड़े हुए हैं, तो भारत को किस प्रकार से प्रभावित करती है, निश्चित तौर पे आपका व्यू यही होना चाहिए, और उसी व्यू से पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि इसमें से भारत की क्या भूमिका हो सकती है, भारत इसमें क्या प्रभाव पड़ सकता है, भारत को किस प्रकार से उसमें लाभ हो सकता है ना। तो इस तरह के IR से रिलेटेड देशों के बीच क्वेश्चन बनेंगे, जैसे भारत, सऊदी अरब, अमेरिका, जापान है ना, भारत के साथ जैसे कि पाकिस्तान किस प्रकार से, चीन के साथ किस प्रकार से रिश्ते है ना, मध्य एशिया से पूछ सकता है, तो आपको नॉर्थ ईस्ट एशियन से, और इस तरह के क्वेश्चन जो है तो IR से रिलेटेड। वहीं भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों है ना, और राजनीति का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है ना। वहीं महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ और मंच जो है तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा उनके संरचना है, उनके जो इतिहास है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम चलते हैं पेपर 3 की बात करते हैं स्पेशली, तो पेपर 3 जो है तो आपको ये क्या है स्पेशल, पहले ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पेपर 3 में बात करते हैं, तो इसमें है साइंस एंड टेक, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण और सुरक्षा के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, ठीक है, ये इसका मेन पेपर है, इसका मेन टाइटल है ना। तो यहाँ पर याद रखना है कि इसको इकोनॉमिक्स का पेपर लोग बोलते हैं, तो ये इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पेपर है ना, आर्थिक विकास का पेपर है। तो हालांकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमी आती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, इसको हम यदि सिर्फ इकोनॉमी बोल देंगे तो ये स्टैटिक हो जाएगा, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यदि बोलते हैं तो वो हो जाता है डायनेमिक, यानी कि ये सतत प्रक्रिया हो जाती है, और वो फिर हमारी जो करंट की उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है ना। तो इसलिए जो तो इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक के भी, हालांकि इसके क्वेश्चन 1 या 2 मैक्सिमम होते हैं ना, इस तरह से हम बस ये चीज़ें मतलब कि इसका मेन तो ये टाइटल है, एनवायरनमेंट भी इसी में इंक्लूड है। तो अब देखते हैं कि क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो इसमें जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, जो पॉलिसीज़ बन रही हैं इकोनॉमी से भारत से रिलेटेड, वहीं संसाधनों को जुटाने, उनकी प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे है ना, ये जो है तो क्वेश्चन के पार्ट होंगे। साथ ही साथ समावेशी विकास, आपको पता ही होगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, इससे उत्पन्न और भी जो विषय चलते रहते हैं है ना, तो वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। साथ ही साथ जो तो सरकार का जो बजट पेश किया जाता है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ जो तो मुख्य ऐसे बात करते हैं कि मुख्य फसलें, जैसे भागों में फसलों का पैटर्न किस प्रकार से होता है, साथ ही इसमें भारत में जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जैसे सिंचाई है ना, और
एक प्रकार से जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह, भंडार कृषि है, उत्पाद सिंचाई प्रणाली, परिवहन, विपणन संबंधित विषय है। साथ इसमें जो भी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, किसानों की समस्याएं किस प्रकार से देखने को मिलती है, किस प्रकार से उनको जो है और टेक्नोलॉजी से और ज़्यादा उन्नत किया जा सके, इससे संबंधित जो भी नए नई मशीनें हों, नए डेवलपमेंट हो, तो उसको जो इसमें ज़्यादा मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। वहीं बात करते हैं कि जैसे प्रत्यक्ष और यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ढंग से जो तो कृषि सहायता और नियंत्रण MSP जो उससे संबंधित जो है तो किस प्रकार किसानों को और ज़्यादा सशक्त किया जा सकता है, और हमारा टारगेट भी मतलब कि सरकार का है 2022 तक किसानों की आय को दुगने करने का है, तो इससे रिलेटेड तो मतलब कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। वहीं बात करते कि यहाँ पर जैसे कि वितरण प्रणाली में हमारे यहाँ पास जैसे कि सरकार योजनाएं भी चला रही है जैसे PDS वगैरह है, तो इसमें एक प्रकार से सिक्योरिटी की फूड सिक्योरिटी से के लिहाज से ही किया गया, तो ये भी ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, तो ये भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। जैसे इसमें से इसकी प्रणाली उद्देश्य कार्य सीमाएं सुधार इसमें किया है, किस प्रकार से बफर स्टॉक वगैरह है ना, और फूड सिक्योरिटी स्पेशली मेंशन भी किया गया है, इससे संबंधित विषय है। साथ ही साथ जो तो हमारे प्रौद्योगिकी मिशन और पशुओं से रिलेटेड भी है ना, तो ये जो है तो इनसे संबंधित जो है तो इसमें पूछा जाएगा। साथ ही साथ जैसे भारत में खाद्य फूड प्रोसेसिंग है ना, वही इनके जो इम्पोर्टेंस वगैरह कार्य क्षेत्र और भी कितने ज़्यादा इसमें किए जा सकते हैं है ना, फूड चैन भी इंक्लूड है। साथ ही साथ जैसे कि हमारे भारत में एक प्रकार से भूमि सुधार संबंधित मतलब कि जो भी प्रयास हुए हैं और क्या किए जाने की जरूरत है इससे रिलेटेड है ना, उदारीकरण की अर्थव्यवस्था पर जो भी इम्पैक्ट पड़े हैं, औद्योगिक नीति में परिवर्तन, विकास पर इनका प्रभाव है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है तो उससे रिलेटेड, साथ ही साथ एनर्जी से रिलेटेड जो है तो है ना, तो वहीं बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि इनसे जो है तो जो भी टॉपिक जो मिलेंगे तो हमारे मेंस के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो निवेश मॉडल ना, साइंस एंड टेक के पोर्शन की बात करते हैं, तो इसमें से जो विकास और अनुपयोग तथा अन्य जो डेली मतलब कि रोज़मर्रा के जीवन पर जो इनका इम्पैक्ट पड़ता है ना, उससे रिलेटेड वहीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो भारतीयों की जो उपलब्धता देखने को मिली है ना, तो जो भी उपलब्धि और नए खोज, नए अनुसंधान होंगे तो उसमें से इंपॉर्टेंस वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं कि गगनयान हो जाएगा है ना, वहीं पर चंद्रयान 2 हो जाएगा, चंद्रयान 1 हो गया है ना, वहीं इनमें जैसे कि प्रौद्योगिकी का विकास किस प्रकार से भारत में, उसकी महत्वपूर्ण किस प्रकार से भारत की उपलब्धियाँ इसमें हुई है ना, और नई टेक्नोलॉजी किस प्रकार से डेवलपमेंट हुई, तो उससे रिलेटेड जो है तो काफ़ी ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जैसे कि स्पेस की बातें की जाए, वहीं कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी और साथ ही साथ जो है तो इनसे संबंधित जो भी चीज़ें हो जाएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात की जाए है ना, तो इससे रिलेटेड साथ ही साथ इसमें जो भी नए चीज़ें और नए आयाम जुड़ रहे हैं तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहीं इसमें हम बात करके एनवायरनमेंट से रिलेटेड पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण, क्षरण, पर्यावरण प्रभाव पर इनका आकलन किस प्रकार से आप देख ही रहे हैं, जैसे हम लोग की यहाँ पास जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन की कंडीशन किस प्रकार से कितनी ज़्यादा बुरी है, पराली की समस्याएं, तो किसान की यहाँ पास किसान की भी इसमें इंक्लूड हो जाती है कि किस प्रकार से किसान पराली वहाँ पर जलाता है, तो और भी ज़्यादा ये जो है तो कष्टकारी हो जाती है ना, तो इसी से रिलेटेड इंटरलिंक करके क्वेश्चन बन जाते हैं। वहीं डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, उससे भी रिलेटेड है ना, विकास और इसमें जो जिस प्रकार से साथ ही साथ जो उग्रवाद की समस्याएं देखने को मिल रही हैं है ना, कि डेवलपमेंट में ये चीज़ किस प्रकार से इसको प्रभावित करती हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे UPSC के मेंस के एग्ज़ाम से कि पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ इंटरनल सिक्योरिटी की यदि बात की जाए तो उसमें जो चैलेंजेस हैं, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट या शासन से संबंधित विरोधी तत्व हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस प्रकार से जिस तरह हम बात कर सकते हैं कि हमारे ये नक्सलवाद है ना, छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा और यहाँ पर यदि नागा समझौते भी जैसे चल रहे हैं, तो ये भी किस एक प्रकार से हमारी आंतरिक सुरक्षा को बहुत ही ज़्यादा चुनौती दे रहे हैं, तो इनसे संबंधित ये भी समस्या काफ़ी ज़्यादा कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कहीं भी इस प्रकार की देश में घटनाएं देखने को मिलती हैं ना, तो ये जो है तो इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके मेंस के एग्जाम से एक पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं बात करते हैं कि संचार नेटवर्क के माध्यम जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी किस प्रकार से चुनौती दी जा सकती है ना, यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार से भी पेगासस की समस्या भी देखने को मिली है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बर्निंग पॉइंट हो जाता है कि किस प्रकार से लोगों की प्राइवेसी जो डाटा है तो उनको एक प्रकार से सर्विलांस किए जा रहे थे है ना, तो ये भी ज़्यादा संचार के माध्यम से वहीं जो तो इंटरनल सिक्योरिटी किस प्रकार चैलेंज दे रहे हैं हमारे। जैसे कि अभी बात करें कुडनकुलम का जो है तो वहाँ पास पूरा जो कंप्यूटर का डाटा वो भी हैक होने की बातें सुनने को मिली थी, तो किस प्रकार से इनका काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट भारत के लिए पड़ सकता है, और ये हमारी इंटरनेट सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा चैलेंज देते हैं है ना। साथ ही साथ जो मीडिया है, सामाजिक नेटवर्किंग साइट, उनकी भूमिका क्या है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड और भी क्या ज़्यादा किए जाने की भारत को ज़रूरत है ना, तो इससे संबंधित जो साथ ही साथ धन शोधन और इससे रोकने संबंधित जो दिवालिया कानून वगैरह बनाए गए तो वो भी ज़्यादा मतलब कि इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं है ना।
साथ ही साथ जो किस प्रकार से फेक न्यूज़ वगैरह चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं, तो ये भी जो है तो इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। साथ ही साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में जिस प्रकार से चैलेंजेस देखने को मिलते हैं सुरक्षा संबंधित, और उनका किस प्रकार से प्रबंधन, संगठन और टेररिज्म वगैरह अपराध वगैरह बढ़ रहे हैं, तो उससे संबंधित जो है तो विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएँ उनकी इंपॉर्टेंस वगैरह है, तो इस पेपर में पूछे जाते हैं, है ना, एंड आपके सिक्योरिटी में। साथ ही साथ अब पेपर हम चलते हैं पेपर फोर की बात करते हैं। ये पेपर हालांकि काफ़ी स्कोरिंग, इसको कहा जा सकता है कि काफ़ी स्कोरिंग पेपर होता है, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा मतलब कि इसका बेसिक चीज़ें मतलब कि बेहतर तरीके से पता हो कॉन्सेप्ट। तो अब हम चलते हैं कि पेपर जो फोर है यानी एथिक्स वगैरह उसको बोला जाता है, लेकिन जो पूरा इसका पेपर का नाम है, तो इसका पेपर का नाम है नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, है ना। तो यहाँ पास बात करते हैं कि एथिक्स एंटीसिटी मतलब कि इसमें बात करते हैं कि एप्टीट्यूड इसमें चीज़ें हैं, है ना। तो अब देखें यदि इसमें तो स्पेशल तौर पे इसमें जो बताया गया कि जो इस प्रति यानी कि प्रश्न इसमें होंगे, तो इसमें जो उम्मीदवारों से ये मतलब कि अपेक्षा की जाती है कि जैसे वो सार्वजनिक जीवन में जिस प्रकार से जो है तो ईमानदारी संबंधित, सत्यनिष्ठा संबंधित जो है तो, है ना, इंटीग्रिटी संबंधित उनकी जो भी चीज़ें हैं, उनकी अभिवृत्ति है, उनके दृष्टिकोण जिस प्रकार से हैं, तो समाज में किस प्रकार से उनका व्यवहार होगा, है ना, तो उससे संबंधित जो है तो इनका परीक्षण करने के लिए पेपर होगा, है ना। और उनसे यानी कि कोई भी कंडीशन दे दी जाएगी तो उस सिचुएशन में आप किस प्रकार से बिहेव करते हो, किस प्रकार से उसका समाधान उसको सॉर्ट आउट करते हो, है ना, तो उस समय की आपकी ये मनोवृत्ति, आपके किस प्रकार से एक्शन होना चाहिए, उससे संबंधित जो भी चीज़ें या उसको चैलेंज से गुजरना पड़ता है, तो इस यानी कि यही इन्हीं चीज़ों को जो है तो आकलन किया जाता है इस पेपर के माध्यम से, है ना। तो अब देखते हैं कि इसमें जैसे देखा जाता है कि इसमें थोड़ा टॉपिक की तरफ चलते हैं, जैसे कि नीति शास्त्र, मानवीय सह संबंध, मानवीय क्रियाकलाप, जैसे नीति शास्त्र के किस प्रकार से सार्थक, तो इसके निर्धारक परिणाम, नीति शास्त्र के क्या आयाम हैं, है ना, मतलब कि पर्सनल और जो कह सकते हैं कि पब्लिक रिलेटेड मतलब क्या इंट्रैक्शन है उसमें से, जैसे मानवीय मूल्य है ना, वैल्यूज़ वगैरह जो हैं, तो उनके साथ ही साथ जो हमारे यानी महान नेता वगैरह हैं जो लीडर, उनसे संबंधित सुधारक और प्रशासक के जीवन किस प्रकार से जो उपदेश, उनसे किस प्रकार शिक्षा ली जा सकती है, साथ ही साथ उनके मूल्य में किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं, परिवार जो है तो उसकी वैल्यूज़ किस प्रकार से डेवलप किए जाते हैं, है ना, लोगों में, और किस प्रकार से समाज का भी और शैक्षणिक संस्थाओं का किस प्रकार से हमारे उसमें भूमिका होती है वैल्यूज़ में, है ना, तो इन चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। साथ ही साथ बात करते हैं कि जैसे कि वृत्ति में, जैसे संरचना, वृत्ति, विचार, आचरण उससे संबंधित, है ना, उसका प्रभाव आपकी नैतिकता, राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा संबंधित। वहीं बात करते हैं कि जैसे सिविल सेवा के लिए भी अभिरुचि, बुनियाद, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा, समर्पण भाव, कमजोर वर्ग संबंधित, सहानुभूति किस प्रकार से हो, है ना, एम्पथी, सेम्पथी, है ना, कंपेशन वगैरह, ये चीज़ें हैं। साथ ही साथ जो है तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस भी के से रिलेटेड भी इसमें पूछे जाती हैं, उससे संबंधित जो है तो कुछ मतलब कि मतलब कंडीशंस भी दी जाती हैं, है ना, और भारत और विश्व के जो नैतिक विचार हैं उनके फिलोसफर्स के भी उनकी किस प्रकार से भूमिका रही है, तो ये भी चीज़ें इसमें तो इंक्लूड की जाती हैं, है ना। वहीं लोक प्रशासन से रिलेटेड भी चीज़ें, उनके समस्या समाधान से संबंधित जो केस स्टडी का पोर्शन भी होता है, साथ ही साथ जो है तो आपका कॉन्सेंस, साथ ही साथ शासन व्यवस्था, नीति परक, नियम, विधि, विनियम, विनिमय जो है तो इनसे कार्य, CSR, ये चीज़ें जो है तो इसमें इंक्लूड की गई, साथ ही साथ आपकी ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, है ना, तो ये जो है तो इसमें स्पेशली तौर पे भ्रष्टाचार की चुनौती, गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, हाँ, तो ये चीज़ें जो है तो इसमें इंक्लूड की जाती हैं स्पेशल तौर पे। तो ये आपका पेपर यानी कि पूरा जो है तो मेंस एग्ज़ाम का ये सिलेबस है ना। और वहीं ऑप्शनल की बात, तो यहाँ पास ऑप्शनल में हमारे जो है तो हम लोगों ने बात कर ही लिया कि 250 के दो होते हैं, मतलब एक ही ऑप्शनल होता है, उसके दो पेपर होते हैं पार्ट वन पार्ट टू करके, है ना, तो ये भी आपका मतलब कि हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पास और भी चीज़ जिसमें हम ऐड करना चाहेंगे कि इंटरव्यू से रिलेटेड भी UPSC ने काफ़ी मतलब कि एक कह सकते हैं आपको एक सही मतलब बताया है, उसने इंडिकेट किया है। तो इंटरव्यू के बारे में हम लोग देखेंगे कि जैसे इंटरव्यू के बारे में UPSC ने क्या बताया है। तो यहाँ पास उसने बताया है कि जो साक्षात मतलब कि साक्षात्कार परीक्षण किस प्रकार से होगा, तो इसमें जैसे कि बात किया है, तो वहाँ पास जैसे बोर्ड तो होगा, है ना, इसके सामने जब मतलब कि हमारा मतलब वो इंटरव्यू लिया जाएगा, तो उसमें जैसे कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि साक्षात्कार का पहले तो उन्होंने उद्देश्य बताया कि सक्षम और निष्पक्ष प्रेक्षकों का ये जो बोर्ड होगा, ये यानी कि ये जानने के प्रयास करेगा कि जो उम्मीदवार हैं तो लोक सेवा के लिए व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त हैं या नहीं, है ना, और यह परीक्षा तो वैसे भी उम्मीदवार की मानसिक क्षमता को जांचने के अभिप्राय से ही होती है। तो यानी कि मोटा मोटा ये देखा जाए तो इसका जो मतलब कि ये जो साक्षात्कार की बात की जाए, तो साक्षात्कार में आपके एक प्रकार से जो मतलब कि जो कह सकते हैं कि
आपके बौद्धिक गुणों के साथ साथ आपके सामाजिक जो लक्षण है, सामाजिक घटना में उसकी आपकी रुचि है, उसका भी मूल्यांकन करना, साथ ही साथ जो आपकी मानसिक सतर्कता है ना, आलोचनात्मक की शक्ति, ग्रहण शक्ति है ना। वहीं बात करते हैं कि जैसे कि कितना मतलब कि आपके बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे, स्पष्ट और तार्किक ढंग से आप अपने आप को उस पर वहाँ पास अभिव्यक्त कर पाएंगे, है ना। संतुलित आपका निर्णय किस प्रकार से होगा, साथ ही साथ आपकी रुचि और आपकी विविधता, गहराई, नेतृत्व और सामाजिक संगठन की योग्यता, बौद्धिक नैतिक ईमानदारी की भी वहाँ पास मतलब कि जांच की जाएगी, इसका ये पर्पज़ है। साथ ही साथ साक्षात्कार में जो हर मतलब कि क्रॉस एग्जामिनेशन की प्रणाली तो ये नहीं अपनाई जाती है, इसमें डायरेक्ट इंट्रैक्शन होता है ना, यहाँ पास जैसे कि इसमें मानसिक गुणों का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है इंटरव्यूअर के द्वारा, है ना। वहीं पास जैसे साक्षात्कार परीक्षण जो है तो उम्मीदवारों को विशेष सामान्य ज्ञान की जाँच करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता है। यहाँ पास स्पष्ट बताया गया है कि ये जो सामान्य ज्ञान की जानकारी तो हमने मेंस के एग्जाम में ही आपकी ले ली है ना, तो यहाँ पास ये आशा की जाती है उम्मीदवारों से कि वे न केवल अपने शैक्षणिक विशेष विषयों में ही पारंगत हों, बल्कि वो उन घटनाओं का भी ध्यान रखें जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही है, यानी कि आपके आसपास, आपके देश में, विदेश में, आपके क्षेत्र में, राज्य में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं तो आपको आप उनसे वाकिफ हैं कि नहीं। साथ ही साथ जो आधुनिक विचारधारा, नई खोजें हैं उसमें भी आप रुचि लें जो कि किसी सुशिक्षित व्यक्ति में जिज्ञासा पैदा कर सकती है। तो कि ये है मतलब कि यूपीएससी का कंप्लीट सिलेबस दोस्तों। तो बस इस वीडियो में इतना है दोस्तों, तो धन्यवाद।